आइए श्री ओम नारायण सिंह कर्मा देवी शैक्षणिक संस्थान समूह परिवार संसारपुर बस्ती द्वारा नेशनल हाईवे बस्ती गोरखपुर मार्ग पर बाहर से आ रहे प्रवासियों को भोजन पानी वितरित करवाते हुए आज लगातार 11वां दिन है। सेवा लगभग 24 घंटे चल रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करते हुए ये लोग बेहतर तरीके से भोजन बना रहे हैं लोगों के लिए। और यहाँ से जितने भी बसें गुजर रही हैं, जितने भी लोग पैदल जा रहे हैं, बसों से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, अपने अपने साधनों से जा रहे हैं, वो सभी लोग यहाँ पे आके भोजन कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में कि ये लोग भोजन ले भी रहे हैं और भोजन ले के जा भी रहे हैं। आइए जानते हैं कि इसके बारे में इन सर का क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे। मैं 2001 हूँ और मैं रिटायरमेंट गोरखपुर से हुआ है। मैं गोरखपुर में जिलाधिकारी भी रहता हूँ और गोरखपुर विकास पालिका और वहाँ की जो गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पार्टी है उसका मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रहता हूँ। मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में माननीय सदस्य के पद पर कार्यरत हूँ और ये मेरी पुश्तैनी भूमि है जहाँ मैं बैठा हूँ, ये भी भूमि मेरी है और मेरा गांव बगल में है। मैं रानीपुर का रहने वाला हूँ। हम लोग लॉकडाउन के समय यहाँ घूमने टहलने आते तो देखा हमने हज़ारों की संख्या में मजदूर पैदल जा रहे हैं। हमारे मन में बड़ी पीड़ा थी कि इन सबको मैं भोजन कराऊँ, लेकिन कोरोना का ऐसा भय व्याप्त था कि हमारे बच्चे हमारे रिश्तेदार लगातार दबाव डाल रहे थे कि ऐसा कोई काम मत करिए जिसमें कोरोना से एक्सपोज लोगों से आप लोग आपका वो आप भी उनसे मिल पाए। लेकिन मन का भाव इतना प्रबल हो गया कि मैंने अपने बच्चों के इच्छा के विपरीत जाकर इस कैंप की स्थापना करी और हमने 4000 लोगों को भोजन कराने का एक ऐसे ही निर्णय लिया। आज हम लोग पर डे करीब 4000 लोगों को भोजन करा रहे कराते हैं। सुबह 6 बजे से हमारी रसोई शुरू हो जाती है। हम चाय देते हैं, मट्टी देते हैं, चने उबले हुए देते हैं लोगों को। फिर 11 बजे से भोजन चलता है, 11 बजे से 3 बजे, उसके बाद फिर रात को 1 बजे जा करके हमारा एक कैंप बंद होता है। पूरी रात यहाँ भीड़ लगी रहती है। अगर आप रात को 11 बजे भी आएँ तो आपको लगेगा अभी दिन है, शाम है, इतने लोग यहाँ खड़े रहते हैं। एक तरह से इन गरीबों को देख कर कहीं कहीं मन में भाव हुआ, ये लगा कि हम लोग एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और हम शायद इन गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और उसी प्रेरणा के कारण हमने इस कैंप की स्थापना करी और आज हम इसको लंबे समय से चला रहे हैं। जो है क्रॉसिंग पॉइंट लगा हुआ है, वहाँ से हम पूरा पानी पैक कराते हैं और सबको जितना ज़रूरत पानी की होती है पूरा पानी देते हैं। लोग इतने भूखे हैं कि 2-3 बार भोजन मांगते हैं, लेकिन हम बार बार उनसे कहते हैं कि आपको पूरा भोजन करके जाना है। अभी 3 दिन पहले वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के 600 लोग एक साथ आए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग के बहुत भूखे थे और आपस में भी भोजन के लिए युद्ध करने पर उतारू हो गए। हम लोगों ने अनाउंस किया कि जितने लोग हों उसका 10 गुना भोजन हमारे पास है। तब जाके वो शांत हुए और 1 घंटा तक वो बहुत खाना खाते रहे, बल्कि लग रहा था कि कितना अधिक ना खा लें बीमार हो जाए। और हम लोग कह भी रहे थे खाने कोई कमी नहीं, इतना से खाइए। एक ईश्वर की प्रेरणा हुई है, हमारी माता स्वर्गीय कर्मा देवी जिनके नाम से हमारा शैक्षिक संस्थान समूह है, एक तरह से उन्हीं के प्रति श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं। और शायद जीवन में ऐसे काम करके अपने को भी बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। धन्यवाद। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं और अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।